हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, आज मैं पहली बार उल्लू ऐप की सीरीज का रिव्यू करूंगा। गाइस, उल्लू ऐप पे जो भी सीरीज होती है वो एडल्ट होती है, वो 18 प्लस होती है। और गाइस, इस सीरीज को देखने से पहले जो मैंने सोचा था, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, उस एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरती है ये सीरीज। गाइस, रेड लाइट सीरीज की स्टोरी की बात करें तो गाइस, इस सीरीज में एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं जिनकी नई नई शादी हुई होती है। और शादी के बाद हस्बैंड का ट्रांसफर हो जाता है दूसरे शहर में, और उसके बाद जब वो दूसरे शहर जाके शिफ्ट हो जाता है, उसके बाद वो अपनी वाइफ को बुला लेता है। और जब रास्ते में उसकी वाइफ बस से आ रही होती है तो कुछ लोग उसको अगवा कर लेते हैं, उसका किडनैप कर लेते हैं, और किडनैप करके उसको रेड लाइट एरिया में एक कोठे में लेके चले जाते हैं। और रेड लाइट एरिया में ले जाने के बाद उसके साथ बहुत गलत गलत चीज़ें होती हैं, जैसे आप जानते हो। जो कुछ भी रेड लाइट एरिया में होता है वो सब उस लड़की के साथ भी होता है। और उसके बाद वो किसी तरह से अपने हस्बैंड से कांटेक्ट करती है, और उसका हस्बैंड उसको छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, और लास्ट में उसको छुड़ा भी लेता है। और गाइस, किस तरह से वो छुड़ाता है, कितनी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, कितनी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है, कितनी ज़्यादा लड़ाई लड़नी पड़ती है। और गाइस, अंत में वो हस्बैंड अपनी वाइफ को रेड लाइट एरिया से बचा के ले आता है। गाइस, सीरीज का क्लाइमैक्स बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। गाइस, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा हस्बैंड है वो ऐसा करेगा अपनी वाइफ के साथ। गाइस, जो वाइफ अपने हस्बैंड को एकदम भगवान मानने लगी थी, जिस तरह से उसने छुड़ाया था उसको रेड लाइट एरिया से, और उसके बाद जो उसने किया, गाइस ये मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। गाइस, जब हस्बैंड अपनी वाइफ को रेड लाइट एरिया से ले आता है, उसके कुछ महीने बाद उस हस्बैंड को अपनी वाइफ पर शक होने लगता है। अगर कोई उससे मिलने आ रहा है तो हमेशा उसको गलत गलत थॉट आने लगते हैं, और वो हस्बैंड इस चीज़ से कभी उबर ही नहीं पाता है कि उसकी वाइफ रेड लाइट एरिया में रह के आ चुकी है। तो गाइस, इस सीरीज की एंडिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। लास्ट में जो क्लाइमैक्स दिखाया गया वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। इस सीरीज की स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। और गाइस, मैं तो यही कहूँगा कि आप सभी को ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। गाइस, इस सीरीज में टोटल 6 एपिसोड हैं और ये सीरीज टोटल 2 घंटे की है। गाइस, सीरीज में जितनी भी कास्टिंग है सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। लोकेशन वाइज भी सीरीज बहुत ज़्यादा ठीक ठाक है, एकदम स्टोरी पर सूट करती है। गाइस, एडल्ट की बात करें तो गाइस, उल्लू ऐप पर जितनी भी सीरीज आती हैं सब 18 प्लस ही होती हैं। और गाइस, इस सीरीज में 3-4 सेक्स सीन दिखाई गई है जो गाइस कम से कम 4 से 5 मिनट लंबी है। तो गाइस, इस सीरीज को आप बिल्कुल भी फैमिली के साथ नहीं देख पाओगे, और इस सीरीज को आप अकेले देखो या फ्रेंड के साथ देखो। तो गाइस, इस सीरीज को मैं दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार। तो गाइस, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।